ओके गाइस, हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धर्मशिला एकलव्य पे। मैं हूँ एकलव्य। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, मतलब यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर के पहले हमें यह समझना होगा कि वाई टू रीड न्यूज़पेपर, वाई टू रीड न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़े ही क्यों। तो न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ऐसा तो कहीं पे सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू ही पढ़ना है या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में यह लिखा हुआ है कि उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि जनरली अवेयर्ड हो। और ये जनरल अवेयरनेस कहाँ से आएगा? जनरल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में या हमारे कल्चरल सिस्टम में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हैं, जो भी हैपनिंग्स हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, उसके बारे में हमें एक ठीक ठाक जानकारी हो। मतलब वैसे लेमैन जानकारी हो, लेकिन इतना लेमैन नहीं हो जो पान के दुकान पर बैठ के चर्चा करते हैं या गली मोहल्लों में चौक चौराहों पर बैठ के चर्चा करते हैं, उस तरह की नहीं। लेकिन इस तरह का इंफॉर्मेशन हो कि जिसपे कुछ सब्सटैंटिव बात किया जा सके। अब ये आएगा कहां से? तो देखिए, करंट अफेयर्स का दो सोर्स हम लोग जानते हैं कि एक तो मंथली कंपाइलेशन जो अलग अलग कोचिंग्स का आता है हर महीने का, या फिर पीटी 365 जैसा है जो कि ईयरली कंपाइलेशन है, ठीक है। लेकिन वो तो मंथली कंपाइलेशन है। अब न्यूज़पेपर का क्या जरूरत है? दूसरा सोर्स न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि कोई भी घटना जो है वो अचानक से एक दिन में नहीं हो जाती है, वो रोज थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होता है। रोज थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होने का मतलब ये हुआ कि आज थोड़ा कुछ हुआ, कल थोड़ा और कुछ हुआ, कल उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, उसके पहले थोड़ा सरकार के तरफ से कुछ कहा गया है, एग्जीक्यूटिव के तरफ से कुछ कहा गया है, लोअर जुडिशियरी यानी कि हाई कोर्ट के तरफ से कुछ कहा जा रहा है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो उसके बारे में एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिलता है हमें अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इससे कोई भी चीज हमें समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, मैं अभी रिसेंटली एक प्रिया रमानी केस हुआ था जिसमें कि एक सेंट्रल मिनिस्टर एमजे अकबर हैं उनपे एलिगेशंस लगा था। तो उसमें दो तीन चार दिन में, जब जजमेंट आने के दो तीन चार दिन पहले से वो चीजें न्यूज़पेपर में काफी होलिस्टिकली कवर की जा रही थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें बहुत तरह की बातें की जाती हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। वो चीजें आपको मंथली कंपाइलेशन में या पीटी 365 जैसे ईयरली कंपाइलेशन में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो तीन चार दिन के पीरियड में जो वो न्यूज इवॉल्व हुआ है कि कैसे उस पर डिस्कशन हो रहा है, जिससे कि आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनता है कि कोई भी चीज के बारे में, कोई भी घटना के बारे में हमें किस तरह से सोचना है, वो आपको न्यूज़पेपर से ही कवर होगा। तो इसलिए हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया प्रिया रमानी केस, और एक अगर एग्जांपल ले लें तो अभी रिसेंटली जैसे इलेक्शंस हो रहा था तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक ओरल रिमार्क दिया था कि इलेक्शन कमीशन पे मर्डर का चार्ज लगना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु में जो रैलीज हुई हैं उसमें मतलब कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई गई और उससे वहां पे कोरोना जो है बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया था। तो ये मद्रास हाईकोर्ट का ओरल रिमार्क था। इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाके फिर वो पिटीशन डालती है कि भाई मतलब मीडिया को इस तरह की चीजों को कवर करने से रोका जाए, है ना। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मीडिया को कवर करने से नहीं रोका जा सकता है, जो डे टू डे हियरिंग है किसी भी जुडिशरी का, ठीक है। अब इसी पे मान लीजिए कि प्रिलिम्स का सवाल बन जाए, प्रिलिम्स में इस तरह के सवाल आजकल आने के चांसेस बहुत हैं कि मीडिया इज अलाउड और नॉट टू कवर द डे टू डे हियरिंग ऑफ जुडिशरी, है ना। कोई क्रूशियल केस भी हो उसका भी मतलब डे टू डे हियरिंग को कवर किया जा सकता है, उसको न्यूज में दिया जा सकता है, डाला जा सकता है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी डिसाइड करेगा कि भाई इसी न्यूज को जो एकदम जजमेंट आया है उसी को कवर करना है, ओरल जो रिमार्क्स हैं या ओरली जो बोला जाता है जजेज की तरफ से वो नहीं कवर करना है, तो ऐसा नहीं है। तो इस चीज को आप कब समझेंगे? जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ जो न्यूज है, इवोल्यूशन ऑफ जो इवेंट्स है, वो आपको न्यूज़पेपर से समझ में आता है। अब इसके बाद दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। मतलब न्यूज़पेपर में तो बहुत सारा चीज होता है। न्यूज़पेपर में तो ये भी होता है कि शादी का एडवर्टीजमेंट होता है, न्यूज़पेपर में कोई खो गया है, किडनैपिंग है, किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस है, तो वो सब कुछ होता है, एडवर्टीजमेंट भी होता है। तो हमें पढ़ना क्या है? पॉलिटिकल न्यूज भी होता है। तो न्यूज़पेपर नहीं, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल पढ़ने के पहले अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है और फाइनली आपको सेलेक्ट होना है, सिविल सर्वेंट बनना है,
तो आपको हर चीज अपना जो है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से करना होगा। मतलब आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी के डिफाइंड सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए, सिलेबस से अलाइंड होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस से अलाइंड होने का मतलब क्या होता है? सिलेबस से अलाइंड होने का मतलब हुआ कि पेपर वन में जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री है उसमें ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी रिलेटेड कोई न्यूज है, जैसे अर्थक्वेक आया तो कैसे आया, उसका सेंटर कहां था, एपी सेंटर कहां था, फोकस कहां था, रिक्टर स्केल पे, मर्केली स्केल पे, उसका क्या इंटेंसिटी था, उससे क्या नुकसान हुआ है, उसको लेके सरकार के तरफ से क्या चीजें की गई है, ये सब आपका स्टैटिक भी उसमें रिवाइज हो जाता है, प्लस आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है कि अर्थक्वेक एज ए नेचुरल डिजास्टर कितना डिजास्ट्रस है, उससे क्या क्या नुकसान होता है, ना केवल इकोनॉमिक नुकसान, ना केवल ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो इन चीजों को आप न्यूज़पेपर से अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर न्यूज़पेपर में मतलब 50-50 मेरे हिसाब से तो लगता है, 50 क्या 60-40 कह सकते हैं कि 60% काम की चीजें नहीं होती है, 40% काम की चीजें होती है। जैसे पॉलिटिकल न्यूज आ गया कि कोई फलाना पार्टी है, कोई ढिमका पार्टी है, जैसे कोई बीजेपी का कोई मिनिस्टर है बीजेपी के, या कोई नेता है, लीडर है, उन्होंने कुछ रिमार्क दिया, फिर उनके अगेंस्ट में किसी और ने कुछ रिमार्क दिया, ये आपके काम का नहीं है। इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, ना इससे आप मेंस में लिख सकते हैं। लेकिन किसी मिनिस्ट्री का कोई स्कीम आया गवर्नमेंट के तरफ से, तो उसको पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। किसी स्कीम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है या उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, उस पर कोई एडिटोरियल आया, उसको पढ़ना जरूरी है कि अगर पीडीएस सिस्टम है और उसको आधार से लिंक कर दिया गया है तो उसका क्या फायदा है, उसका क्या नुकसान है। फायदा यह है कि उसमें करप्शन कम हो जाएगा, लीकेज कम हो जाएगा। नुकसान क्या है कि जो इलिटरेट आदमी है या जिसके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वो मोबाइल चलाना नहीं जानता है, इंटरनेट की सुविधा कहीं पे नहीं है, तो वहां पे इस चीज को कैसे डील किया जाएगा, है ना। तो उस एडिटोरियल को पढ़ के ये आपको समझ में आएगा। जैसे अभी कोविड को लेके कोविन पोर्टल पे रजिस्टर करना है, तो न्यूज में आ रहा है भाई कि जो इंडिया में गांव में लोग रहते हैं या फिर शहर में ही स्लम्स में जो लोग रहते हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, जिन्हें रजिस्टर करना नहीं आ रहा, तो वो कैसे वैक्सीन लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि डिजिटल डिवाइड है। तो इस तरह से न्यूज को लिंक करना है कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड है, यहां पे हमारे यहां 80 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं लेकिन डिजिटल लिटरेसी काफी कम है, है ना। तभी तो इतना सारा स्कैम होता है कि कोई फोन करके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लेता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो न्यूज पेपर में आपको सिलेबस के हिसाब से सब कुछ पढ़ना है। सिलेबस को आप अपने टेबल पे रख लीजिए, आप अपने सामने चिपका लीजिए, उसको रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए। धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे कि हाँ ये न्यूज मेरे काम का है कि नहीं, ये न्यूज मेरे काम का है कि नहीं, इसको पढ़े या ना पढ़े। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है कि रोज इंटरनेशनल हर पेज में आपको मतलब 40% 30% काम का चीज तो लगभग मिल ही जाएगा, बाकी 60% आपको उसमें कचड़ा मटेरियल मिलेगा। कचड़ा मटेरियल मतलब कि आपके काम का नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी के काम का नहीं है। ठीक है, अब तीसरा सवाल आता है, तीसरा सवाल है कि विच वन, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। मतलब ये डाउट तो मतलब हर किसी के मन में रहता है, चाहे वो शुरुआत कर रहा है तैयारी का या अपनी तैयारी के 1-2 साल हो गए हैं, फिर भी ये मन में डाउट आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। देखिए, आपको जनरली अवेयर होना है। अगेन, यूपीएससी ने नहीं कहा है कि आपको द हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, वो न्यूज़पेपर पढ़िए जिसको आप पढ़ सकते हैं और जिसको पढ़ने के बाद आप उसकी चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब पता चला कि कोई न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं और जिसमें इंग्लिश इतना टफ लिखा हुआ है, इतने जार्गन्स यूज किए गए हैं, उसका उसका जो सेंटेंस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको आधा से ज्यादा एनर्जी तो उसको समझने में देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या फायदा हुआ? और यूपीएससी के आंसर राइटिंग में तो आपको सिंपल सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल स्टेटमेंट लिखने होते हैं। तो इसलिए आप जिस भी न्यूज़पेपर में कंफर्टेबल हैं, जिस भी, चाहे आप द हिंदू में कंफर्टेबल हैं या द इंडियन एक्सप्रेस में आप कंफर्टेबल हैं, आप उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। दोनों का अपना थोड़ा प्लस है, थोड़ा माइनस है। जैसे हिंदू में एडिटोरियल्स अच्छे आते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा, उसका एक्सप्लेन्ड पेज जो है वो उसमें बहुत चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, तो ये चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल जो भी चीजें चल रही है वो दोनों ही न्यूज़पेपर में कवर हो जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि विच वन। तो
तो आप कोई भी अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपको प्रोटीन लेना है, तो अगर आपको अंडा अच्छा लगता है तो आप अंडा खा लो, आपको चिकन अच्छा लगता है तो चिकन खा लो, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो पालक पनीर ये खाओ, है ना। मतलब किस चीज से कि आपको प्रोटीन मिलना चाहिए, तो आप प्रोटीन लो। कहां से मिल रहा है उससे क्या मतलब है हमें, है ना। तो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। अब इसको करें कैसे, मतलब पता कैसे चले कि इंडियन एक्सप्रेस मुझे सूट करेगा या द हिंदू सूट करेगा, आप पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। मतलब 1 वीक टू 1 मंथ, ठीक है, 1 वीक टू 1 मंथ आप रेगुलरली कोई एक न्यूज़पेपर को पढ़िए, ठीक है। 1 वीक में आपको पता चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप पूरे 1 मंथ पढ़िए उसको, इससे कोई आपका खास नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप द हिंदू से शुरू कीजिए, द हिंदू समझ में आता है तो ठीक बात है, नहीं तो फिर अगले 1 महीने इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, फिर आप कंपेयर कीजिए। जिस समय आप पढ़ रहे थे तो उस समय आप नोट डाउन करते जाइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा था इस न्यूज़पेपर को पढ़ने में, पढ़ते समय आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, फिर जब दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सेम चीजें कीजिए, और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। तीसरा एक चीज है कि आप डेली एडिटोरियल एनालिसिस आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, तो कोई एक अच्छा सा, मतलब जिसमें फालतू का बहुत सारा डिस्कशन और बहुत टाइम लेकर डिस्कस किया गया वो नहीं, कोई भी अच्छा सा एक सोर्स आप उस पे देखिए, 2-3 दिन उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसको आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिए, तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे आज के न्यूज का, और उसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। 1-2 महीना 20 दिन करने के बाद फिर आपको वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितना देर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप सही तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख गए हैं तो आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी किसी दिन अगर ज्यादा न्यूज आ गया है तो 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा, और किसी दिन न्यूज अच्छा नहीं कवर किया गया है तो 40 मिनट में भी खत्म हो जाता है, ये है ना। जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो मतलब लगभग सेम टाइप का न्यूज डेली कवर हो रहा है, तो कम टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो आप मोटा मोटी 1 घंटे का शेड्यूल बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ये नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, 1-1.5-2 महीने पढ़ने के बाद होगा, है ना। क्योंकि आप जब तक आपका स्टैटिक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, आप स्टैटिक चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ लोगे, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, तो लक्ष्मीकांत को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो पॉलिटिकल जो न्यूज है, जो पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज नहीं, पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड न्यूज है, इलेक्शन कमीशन हो गया, एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, ज्यूडिशरी की तरफ से कुछ आ रहा, तो उसको आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। तो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे देन अराउंड 1 आवर इज गुड एनफ टाइम टू गिव टू द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो नोट्स बनाने का देखिए सबका अपना अपना आइडिया है, अपने अपने थ्योरीज हैं कि नोट्स बनाना चाहिए, कोई कहते हैं कि नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मेरा थोड़ा सा अलग व्यू है इसमें कि कंप्लीटली न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना बिग नो, मैं बताऊंगा क्यों, और बिल्कुल भी नहीं बनाना है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन न्यूज़पेपर की नोट्स बनाना है वो मैं बिग नो इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। 1 आवर आप टाइम दोगे तो आप पढ़ के कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपना नोट्स जो मैंने न्यूज़पेपर से बनाया, फिर फाइनली मैंने उसे छोड़ दिया कि अब नोट्स नहीं बनाना। उसका कारण ये है कि जो भी स्टैटिक या करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, तो वो आपको मंथली मैगजीन में या PT365 का जो ईयरली कंपाइलेशन आता है उसमें आपको मिल ही जाएगा। तो आप रिपीटेड टास्क कर रहे हैं कि पहले आप न्यूज़पेपर से भी नोट्स बना रहे हैं, फिर आप मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे बेहतर ये है कि आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप न्यूज़पेपर से पूरा नोट्स बनाने में लगा रहे हैं, उस एफर्ट को आप अपने स्टैटिक को स्ट्रांग करने में लगाइए। नहीं तो ये गैप इतना ज्यादा रह जाएगा कि प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत टफ हो जाता है और बहुत ज्यादा लोड लगेगा आपको, क्योंकि पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा जो टाइम वेस्ट होता है, फिर वो पीटी के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तब लगता है कि यार थोड़ा और टाइम मिलता है तो मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते और कंसोलिडेट कर लेते, तो कहीं ना कहीं आपका मेंस का प्रिपरेशन मार खा जाता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर पे अननेसेसरी टाइम मत बर्बाद कीजिए, लेकिन जितना नेसेसरी है उतना दीजिए। अब बात यह है कि न्यूज़पेपर से नोट्स क्या बनाना, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखाता हूं। ये 2 कॉपी है, ये दोनों मेरे न्यूज़पेपर के नोट्स हैं, आपको दिख रहा होगा ये दोनों कॉपी, ठीक है। एक एक करके मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये मेरा पहला कॉपी है, इसको पार्ट वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, ये लाइक देखिए, जैसे इंडिया यूएसए ट्रेड पे ये मैंने नोट्स बनाया है, दिख रहा है, इंडिया यूएसए ट्रेड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं,
जेसीपीओ है, ये हमेशा चलते रहता है, ईरान और यूएसए का टसल। जो ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है तो उसको लेकर जेसीपीओए कमेटी बनाया गया था जिसके 6 मेंबर्स हैं, उस पे है। तो इस तरह से आप नोट्स बनाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओगे, तो आप यही नोट्स बनाओगे और क्या बनाओगे आप। लेकिन ये तो आपको करंट अफेयर्स में भी तो मिल जाएगा ना, जो मैगजीन आप पढ़ रहे हो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग जैसे देखिए, रायसीना डायलॉग है, ठीक है, तो ये आपको तो करंट अफेयर्स के मैगजीन में मिल जाएगा। फिर आप अननेसेसरी जो मैंने इसमें टाइम दिया वो उसका क्या फायदा हुआ। नो डाउट आपका कोई काम करते हैं जब भी तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है कि जितना टाइम मैं दे रहा हूं क्या उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर आप देख लो, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर ये एक मेरी सेकेंड कॉपी है जिसमें मैंने थोड़ा और क्रिस्प करने की कोशिश की थी, और ये देखिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हमेशा न्यूज में रहता है, उसके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये भी आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर हो जाएगा, दिख रहा है। चलिए और दिखाता हूं, जैसे आसियान है, ईस्ट एशिया समिट है, इसका नोट्स है, ठीक है, ये भी आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। देखिए आसियान और सार्क का ये बहुत हॉट टॉपिक रहता है, और ये मुझे बहुत काफी हेल्प भी किया था, इसको मैंने मार्क भी किया हुआ है, मेंस में ये लिखने में बड़ा काम आया था। लेकिन जैसे आसियान और सार्क को मैंने कंपेयर किया पॉइंट वाइज टेबल बना के, ये भी आपको मंथली करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अननेसेसरी पेन लेने का जरूरत, आपको लगता है कि सार्क का कोई न्यूज आएगा, आसियान का न्यूज आएगा और वो हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में कवर नहीं होगा, और वो उसमें मंथली करंट अफेयर्स में कवर नहीं होगा, तो मंथली करंट अफेयर्स में यानी करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर हो रहा है, तो फिर आप क्यों फालतू का टाइम दोगे। उससे अच्छा है कि आप इन चीजों को समझ लीजिए और उसके बाद करंट अफेयर्स के मैगजीन में इसको पढ़िए और याद रखिए, है ना। एक दो और न्यूज जैसे मैं आपको दिखाता हूं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देख लीजिए, सारा करंट अफेयर्स का है और सब कुछ आपको मैगजीन में मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह का आप नोट्स, अगर आप बहुत अच्छे हैं नोट्स बनाने में, आप बहुत कम टाइम में आप बना लेते हैं, बहुत राइटिंग स्पीड आपका बहुत अच्छा है, तब तो आप कीजिए, नहीं तो ये करने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब न्यूज़पेपर से क्या टेक डाउन करना है, न्यूज़पेपर से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जो छोटी जो मैं अपने चैनल में कवर भी करता हूं, अभी शुरू किया है, कि जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है उसको कवर करना है, ठीक है, लास्ट माइल फंडिंग, ठीक है, किसी ट्राइब के बारे में कोई न्यूज आ गया, तो उन चीजों को अगर आप कहीं से कवर कर सकते हो तो कवर करो, नहीं तो फिर यहां तो मैं डालता ही रहूंगा, तो आप उसको देखते रहना, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि कहीं पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके क्या बेस्ट प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, जैसे रालेगंज सिद्धी का कभी न्यूज आ गया, गवर्नेंस को लेके कि लोकल गवर्नेंस का कहां पे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कहां पे लोग कम्युनिटी एफर्ट से चीजों को कर रहे हैं, जैसे हिवरे बाजार एक मॉडल है, हिवरे बाजार महाराष्ट्र में गांव है हिवरे, तो वहां पे वहां का कभी आप यूट्यूब पे आप उसका वीडियो निकाल के देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये गांव बहुत अच्छे से यहाँ पे सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ चीजें हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मॉडल्स हैं, कोई रिपोर्ट आ गया, कुछ उस तरह की चीजें हैं, तो उसको आप भले आप टेक डाउन कर लीजिए, मतलब कि एक दिन में आप आधे पेज से ज्यादा, A4 शीट में आधे पेज से ज्यादा आपके पास कोई मटेरियल प्रीलिम्स का के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास नहीं आना चाहिए न्यूज़पेपर से। तो इससे आपका एफर्ट भी बचेगा, आपको एक्सपोनेंशियल इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यही कहना था न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। इसके अलावा न्यूज़पेपर को और डिटेल में कैसे पढ़ना है इस पे एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, ठीक है, कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर इन अनकन्वेंशनल वे, तो आप उसको पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। बट नोट्स मेकिंग का मुझे नहीं लगता कि अब जिस तरह का यूपीएससी का पैटर्न है तो उसमें बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन आप न्यूज़पेपर को कवर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, यही मोटिवेशन है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको जानना है। जैसे ये न्यूज़पेपर वाला मैंने उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला था तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सो थैंक यू गाइस, बी सेफ, स्टे हेल्दी।